नमस्कार दोस्तों, ये लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो किसान है वो सुबह से जागा हुआ है, 4 बजे से जागा हुआ है, इसका इंतजार कर रहा है कि हमें खाद मिलेगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाद इनको नहीं मिल रही और काफी परेशान हैं ये किसान। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। ताऊ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने बजे सुबह आए आप? हम सुबह 4 बजे आए थे। अच्छा, और व्यवस्था बहुत बढ़िया है अंदर मैनेजमेंट की। हमारे जिम्मेदार लोग कुछ उल्लड़बाजी ज्यादा कर रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, अगर शराफत से काम किया जाए तो काम बहुत बढ़िया चल रहा था। अच्छा, कुछ असामाजिक तत्व आगे हुल्लड़ कर रहे हैं। अच्छा, सरकार इसका ऑफिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से लाइनिंग में पर्चियाँ भी बांटी है और नंबर भी लगाए हैं। अभी मिलेगा, नंबर आएगा तभी तो मिलेगा। अच्छा, खाद मिल रही है आपको? खाद मिल रही है, नंबर 24 नंबर है मेरा। अच्छा, और लाइन में लगे हैं। अच्छा, कुछ लोग उनके नंबर पुराने होते हैं, पीछे होते हैं, वो जल्दी आगे लेना सोचते हैं, इसलिए व्यवस्था खराब हो जाती है। अच्छा, इन्होंने प्रबंध अच्छा किया हुआ है। अच्छा, ये जो किसान लोग हैं ये उड़दंगबाजी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। कौन उड़दंगबाजी? खाद मिल रही है? नहीं मिल रही। कल कह रहे मिल रही है, कल के परेशान हो रहे हम तो, कल के आगे खड़े हैं वो कह रहे मिल रही है। अरे आगे खड़े हैं, कौन मिल रही है? कहाँ पर मिल रही है? क्यों खड़े हैं? अरे कहाँ मिल रहा है? 2 घंटे पर्चे टोकन मिला हुआ है, 2 घंटे 1 घंटे का टोकन मिले हुए, अभी तक तो खाद मिला नहीं, पैसे भी ले लिए उन्होंने। बस कोई लेबर ही नहीं वहाँ पर जी। नंबर से तो अरे पर्ची है मेरे पास। पैसे अंदर दे दिया लाइन में, मैं बता रहा हूँ तेरे को कि यहाँ पर खाद नहीं दे रहे हैं कोई। कहाँ पर देखी तो जाके, कहाँ कौन दे रहा? अरे कौन दे रहा खा रहे यार? रंगा तो है तू तेरा। नंबर कितना है तेरा? मेरा 1 नंबर है। 1 नंबर है, कट गया। हाँ, जाके लग लग कहाँ लाइन में, कहाँ लाइन में आ देखियो यार, कमाल है। एक भी नंबर था अंदर से मिल गया। इसकी वाइफ थी वो जी, वो पर्ची कटवा के चली गई। ये खार ये लेगा क्या, कौन लेगा जी? इस जिम्मेवारी इसकी है, वहाँ खार लग रहे देने। एक भी मतलब आप वहाँ से ले आए पर्ची, ये कह रही है कहाँ से? पर्ची तो यही मिल रही है, पर्चियाँ मिल रही है, लेकिन खाद पैसे ले लिए जनाब। रुक जा, ये मेरे पास पर्ची है जी। हाँ, चलो मेरे साथ, मैं दो आऊंगा खार। 11-12 नंबर था जी मेरा। चलो फिर देखिए यार, मैं मेरे को 1 घंटे का पर्ची मिले, लेकिन वहाँ मैं खड़ा गड्डी के पास जी, पर एक भी कट्टन दिया ना, वहाँ कोई लेबर है ना कोई बंदा देने वाला। नंबर निशान जी, इसकी वाइफ का था 1 नंबर वो। हाँ, मैं दुआऊंगा खार। नहीं चल दुआ, तू जब का कहा था सवेरे का? जब कहा था तू? मेरे का जिम्मेदार कोई सरकारी आदमी यार, कमाल है। वो कल ले मेरे घर, वो कल ले। क्यों बोल रहे हो? वो कल ले, कहा मिल रहा खा रहे? क्यों बोल रहे? कहा गल पर्ची ले रही? वहाँ खड़े लड़का कोई देने वाला है? कोई देने वाला है? कोई खार देने वाला कोई नहीं भाई, खार देने वाला कोई नहीं यहाँ पर यार। ये तो ऐसे ही कर रहा, खार देने वाला ही नहीं कोई यहाँ पर। वो देखिए ट्रक पे आदमी है, ट्रक नहीं खड़े है, ट्रक खड़े है लेकिन खार नहीं। वो ट्रक खड़े है, इतने ट्रक खड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं बाटी भी जाएगी। कब देंगे खार? 1 बजे देंगे, 2 बजे देंगे, सवेरे 3 बजे क्या हुए बताओ, कब देंगे जी? कैमरा मारियो एक बार सामने, ट्रक पर देखो बंदे चढ़ रहे, दे रहे हैं खार, देखो तो एक बार, देख लो एक बार। ये आप देख सकते हैं, खाद यहाँ पर जरूर देखी जा रही है, लेकिन कई किसान बोल रहे हैं कि हमें खाद नहीं मिल रही। कैमरा खार नहीं दे रहे हैं, खार नहीं दे रहे हैं जी, बांट इन रहे पैसे भी ले लिए, सारे काम फाइनल है। खार पता नहीं 2 बजे देंगे, 3 बजे देंगे, 4 बजे देंगे, इंतजार करिए मिल जाएगी खाद आपको। इंतजार तो सवेरे से कर रहे हैं ना, वे इंतजार तो कर ही रहे, बस खाद आई है तो मिल भी जाएगी। कब? जब मिलेगी, जब देखी जाएगी। अभी तो खड़े हैं। अरे खड़े तो हम भी हैं, हम कौन सा किसी को बोल रहे हैं कुछ है। क्यों नहीं मंडी मिल रही है? नहीं मिली, मिल कब मिलेगी? तभी है ना, 3 बजे खार आ गई थी, इन्होंने क्यों नहीं मंडी? किस लिए नहीं मंडी? मेरे को 8 दिन हो गए यहाँ, 4 बजे खड़ा हो जाता हूँ, कोई बताता नहीं है किस टाइम आएगी, किस टाइम रैंक लगेगा, अगर नहीं लगेगा मतलब कुछ जवाब तो देना, किसी अफसर का फर्ज बनता है। इनका ये कहना है कई लोग उड़दंगबाजी करते हैं, जिस कारण से जो है सिस्टम खराब हो रहा है। देखो 8 दिन हो गए यार, डेली चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन अंदर कोई सिस्टम नहीं है। 8 दिन से खा रही है, मतलब ये नहीं बता रहे हैं भाई रैंक लगेगा या नहीं लगेगा। जिम्मेदार आता है यहाँ से घूम कर, सारा दिन भूखा बना घर चला जाता है, लेकिन सरकार को यह चेतावनी जरूर है, काला बाजारी ये देख चुके हैं सारा कुछ, लेकिन आगे उम्मीद मत रखे वोट की। जब इतने कट्टे आए हुए हैं, ट्रक खड़े हैं, मेरे पास 30 किले है ठेके पे ले गई,
तो खार मेरे पास 5 कट्टे नीम क्या डालूं? कोई कहता है स्प्रे करो, किस चीज की स्प्रे करो, 40 रुपए टंकी वाला मान रहा है। गेहूं लगाया है, गेहूं है, आलू है, खाद आई है तो वो बटेगी, बटेगी जी, वो बटने लग रही है जनाब। आपके आपके कितने एकड़ जमीन है? मेरी 100 एकड़ जमीन है जी। अच्छा, हाँ जी, आप स्टैटी में जाऊंगा लेने, 20 कट्टे में क्या होएगा जी? 4 जने खड़े थे हम, सुबह 5 बजे गए, 5-5 कट्टे मिले जी। लास्ट खाद है जी, पानी अब पानी देना जी, दूसरा खाद नहीं गिरेगा, क्यों कैसे होएगी? घर बैठ जाए, वोट की उम्मीद मत रखे, कोई नहीं देगा। सरदार जी, जब खाद आई है तो वो मिलेगी भी? बाबू जी, खार कल 3 बजे आ गई थी। अच्छा। और 3 बजे से रात के मल, रात को रोटी खाई, सुबह 3 बजे फिर आ गए। बताओ यहाँ को मारे, कह रही है मिल रही है, आप कह रहे नहीं मिल रही, ठीक है, कौन कह रहा है मिल रही है? ये कह रही है मिल रही है, कल ये कह रहे मिल रही है, 3 बजे आ गए थे यहाँ ट्रक, क्यों नहीं दिया? किसने, कहाँ गए थे देने वाले? ड्यूटी इनकी क्या है? अगर रात ऊंचे समय में 7 बजे खार गया तो 7 बजे मटिया, इन्होंने क्यों बंद कर दिया 3 बजे? इनका फर्ज नहीं है, तनख्वाह नहीं लेते ये? किस चीज की तनख्वाह लेते? पब्लिक से लेते हैं, ये क्यों बंद करके चले गए? इतनी पब्लिक है, भीड़ है, मतलब इसका जिम्मेवार कौन है जी? आपके पास है कोई जवाब? क्या जी, क्या जो ये बोल रहे हैं? कल मैं यहाँ पे नहीं था जी, है जी? कल मैं यहाँ पे नहीं, कल नहीं थे आप? नहीं जी, आज मैं सुबह आया 5 बजे, मेरे को खाद मिल गई। मैं थोड़ी ना बांट रहा हूँ भाई, ये तो किसान है, किसान है, मैं तो किसान ही जी। नहीं मिल रही है इनको, कौन कहता है मिल रही है? अरे मिल रही है इनके, फिर वही बात आ गई, ना ये अधिकारी है ना कोई, ये मतलब लेने या तो धक्के से टांग अड़ाने वाला को मेरे जैसा तो मैं कह नहीं सकता। इसकी गाड़ी में खार गिरी है क्या? 1-1 कट्टा तो क्यों बोख रहे हैं? खार किसी को मिली नहीं है, और खार का 1 कट्टा भी नहीं मिला किसी को। मैं किसान नहीं हूँ, लाइन में तो मिलेगी नहीं, किसान है, आपको खाद मिल रही है? हर 1 कट्टा भी किसी को दिया हो इन्होंने तो बताओ भाई, 1 कट्टा किसी का? उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं मिल रही है, कहाँ थी? 1 कट्टा को खा दो, 1 कट्टा भी नहीं मिलेगा किसी को। ट्रक में खड़े रहो, हमारी क्या कल के खड़े ट्रक तो ये जिम्मेदार परसों के दुखी हो रहे थे 8 दिनों के, किसी की चीज देख नहीं रहे, ब्लैक में दे रहे होंगे और क्या? हमारे को दे रहे हैं 450-350 रुपए कट्टा है, 400 रुपए की थैली लगा के दे रहे हैं, सीधी सी बात है, इस पे नहीं है बात करना भाई। तो आप यहाँ की बात करो, यहाँ 3 बजे आ गया था कल के काम, बिल्कुल उसके मैं जवाब देता हूँ। कल एक गाड़ी भेजी थी, किसान हो गए इतने, यदि हम बांटते तो रात के 10 बज जाते, पता है किसान यही भाई कहते हैं, आज इन्हें ब्लैक कराया 10 बजे पे बांटा, इसलिए मैंने खुद नहीं खुलवाया, इनको तो नहीं कहा, ये मेरा अपने, उनका कल सबके सामने ट्रक खड़े रहेंगे, कल किसान ये नहीं कहे कि भाई अंधेरे में दिया है, ये हमारी बात कर रहा हूँ, बात कर रही है। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ट्रांसपेरेंसी है, इसको यहाँ कोई लगा के नहीं देगा, कोई भी एक आदमी कहे भैया कोई लगा के दे रहा, दुकानों में क्या होता हमें कोई नहीं, इसको जो सेंटर है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी है। और जो खार दी जाती है सब करने वाले अपने बंदे अपने बंदे बेच के खार ले जाते हैं, हमारे को जिम्मेदारों को खार नहीं मिलता है। अच्छा। सब वो खार ले जाते हैं अपने बंदे खड़े करके। कितने बजे आए थे आप? हम 6 बजे आए थे आज सुबह, हाँ कल भी सारा दिन खड़े रहे, 1 कट्टा नहीं मिला, कल 3 बजे खार आया, तो 3 बजे से यहाँ खार नहीं बंडा, सारे लगा के चले गए, तो अब 10 बजे आए, 10:30 बजे तो हम खाली बट रहे, अब बट रहे, अब बट रहे, अब पता नहीं 2-2 कट्टे दे रहे, 4-4 दे रहे, हमको भी नहीं मिला। हाँ वो सीएम को दिखाने के वास्ते भैया, हम खार इतनी बांटी है, कुछ खार नहीं, अब लग जिम्मेदारों को बांटा, सबको पूछ लो, देख लो आगे, कोई खार नहीं मिला, जितनी भीड़ है ये भाई, इतनी भीड़ कर रखी है, ब्लैक नहीं कर रहे जा रहे, सारी ब्लैक हो रही है, ये दुकानों वाले को खार मिलता है, जो खार बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, डबल पीछे लाते हैं, डबल दवाई ला के देते हैं, ये काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारे जिम्मेदारों को किसी को खार नहीं मिल रहा है, जिनको मिल रहा है वो दुकानदार है। हाँ जी, जो अपने बंदे खड़े कर रखे दुकानदारों ने भी। अच्छा, किसान को नहीं मिल रहा, किसान को कम मिल रहा है, उनको ज्यादा मिल रहा है। यहाँ किसान को तो मिलता नहीं, स्टेशन से ट्रक भरता तो वहाँ से गायब हो जाता है, सीधी सी बात है। आप 400 रुपए एक्स्ट्रा दो तो दवाई लो तो फूट वाली तो खाद मिल जाता है दुकान से, प्राइवेट से नहीं तो नहीं मिलेगा, ये कह देते हैं रैंक ही नहीं है, क्या क्या मतलब क्या कर रहे हैं किसान? आप कह रहे ट्रक खड़ा है, हमारी क्या हिम्मत है ट्रक से कार उतार ले लाइन में आप कर। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई लोग बोल रहे हैं कि हमें खार मिल रही है और कई लोग बोल रहे हैं कि हमें खाद नहीं मिल रही। तो इस वीडियो को आप देखने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। बवाल यहाँ पर जरूर मचता हुआ दिखाई दे रहा है सुबह से ही, ये आप देख सकते हैं काफी लंबी लंबी लाइनें जरूर लगी हैं पूरे जिले से, पूरे जिले से जो किसान भाई हैं
वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कोई 6 बजे आया है, कोई 5 बजे आया है, कोई 4 बजे आया है, तो सुबह से ही इसी प्रकार से जो लाइनें हैं वो यहाँ पर जरूर देखी जा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो बवाल मचाए हैं। बवाल इसलिए मचाए हैं कि साहब हमें खाद नहीं मिल रही है, सुबह से हम इंतजार में हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की जो खाद समय रहते मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही, हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपडेट आपको देते रहेंगे।